बस इतना कहना चाहते हैं। मम्मी को तो पूरा कैंसर बॉडी में फैल गया है, बॉन्स में, ब्रेन में, हर जगह। माँ का दर्द नहीं सह पा रही हूँ मैं, और अभी अभी सब आदिल को सता रहे हैं। जब आदिल ने कबूल कर दिया है शादी, तो आदिल को सब मैसूर के कुछ लोग सता रहे हैं। वो घर नहीं बसने देना चाह रहे मेरा, बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। राकेश जी सब सही हो जाएगा, समय है, ये समय भी लीगल है। मेरा आदिल मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, जाएगा तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। सब आपके साथ है राकेश जी, ये समय है, समय निकल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ लेकिन उनको है ना प्रेशर किया जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, उनको प्रेशर किया जा रहा है। बता सकती हैं किस तरह, कहाँ से प्रेशर आ रहा है? मैसूर से, जहाँ से वो है, कर्नाटका मैसूर से जहाँ से है। बहुत लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या फैमिली मेंबर्स हैं? करण भाई, करण भाई आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, इज बिजी। क्या फैमिली मेंबर्स हैं कुछ ऐसे? नहीं, फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो कुछ लोग हैं जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ कौन लोग हैं। उनके दोस्त या फिर कोई? बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो कह रहे कि क्यों एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से शादी करी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगी, वक्त आने पर मैं सब खुलासा करूँगी मीडिया के ज़रिए। सिर्फ कर्नाटका में, मैसूर वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मत करो आप, आपको ऊपर वाले को जवाब देना है। मेरा बकायदा निकाह हो चुका है, मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया है। जहन्नुम में जाओगे आप लोग, मुझे और मेरे आदिल को जुदा करना चाहते हो। उसे मेंटली प्रेशर आप कर रहे हो, ताकि मेंटली प्रेशर में आके वो गंदे तीन वर्ड मुझे बोल के चले जाए। उनके वर्ड बोलने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना, तुमको जहन्नुम में नसीब नहीं करेगा अगर मुझे और मेरे आदिल को अलग करोगे तो। शुक्रिया। मुझे लगता है शाम को उधर जाना है, तो मैं इनको बोलूंगी ये सब कुछ। दादाजी को आपने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया है, नहीं आपको फोन किया था कल, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करूँ, बता दूंगी।